हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे 10 न्यू इंग्लिश वर्ड्स उनके हिंदी मीनिंग और एग्जांपल के साथ। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेन एंड मार्टिन की हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक का लिंक दिया हुआ है। ये बुक इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत ही अच्छी है। इस बुक के दो सेट होते हैं, एक में आपको लेसन और एक्सरसाइज मिलती है और दूसरे में आपको उन एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन मिलते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इस बुक को सेल करने के लिए आपको बोल रही हूँ, ये बुक मेरे पास है, मैंने पढ़ी है, दैट्स वाई आई रिकमेंडेड इट टू यू। अब शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। विगोरसली, विगोरसली मीन्स उत्साह के साथ, जोरों के साथ। द लॉयर इज प्लानिंग टू डिफेंड कल्प्रिट विगोरसली। वकील अपराधी को जोरों से बचाने की योजना बना रहा है। स्ट्यूपेंडस, स्ट्यूपेंडस मीन्स प्रभावशाली, शानदार। आई वॉज अमेज्ड टू सी हिज स्ट्यूपेंडस परफॉर्मेंस ऑन द डांस फ्लोर। मैं डांस फ्लोर पर उसके शानदार प्रदर्शन को देखकर चकित था। क्रम्बल, क्रम्बल मीन्स टूटना, दरार आना। शी वॉज एक्सट्रीमली डाउनकास्ट आफ्टर हर मैरिज क्रम्बल्ड। अपनी शादी टूटने के बाद वह बेहद निराश थी। डाउनकास्ट का मतलब होता है निराश होना, दुखी होना, परेशान होना। एट सच अ टेंडर एज, ये एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है इतनी छोटी उम्र में। यू हैव डन अ गुड जॉब एट सच अ टेंडर एज, आपने इतनी छोटी उम्र में अच्छा काम किया है। एफेबल मीन्स मिलनसार, सुशील। हिज एफेबल नेचर फोर्स्ड मी टू मेक फ्रेंड्स विद हिम। उसके मिलनसार स्वभाव ने मुझे उससे दोस्ती करने के लिए मजबूर किया। देखो यहाँ पे जो स्क्रीन पर वर्ड दिखाई दे रहा है, इसकी ब्रिटिश प्रोनंसिएशन होती है फोर्स्ड और अमेरिकन प्रोनंसिएशन होती है फोर्स्ड। कुशी, कुशी मीन्स आरामदायक, बहुत आसान। ये यूज होता है मोस्टली जॉब के लिए। He searched such a job which is cushy for him. उसने ऐसी नौकरी ढूंढी जो उसके लिए आरामदायक हो। जो स्क्रीन पर वर्ड दिखाई दे रहा है, इसकी ब्रिटिश प्रोनंसिएशन में आर साइलेंट हो जाता है, यानी इसकी प्रोनंसिएशन होगी सर्च, और अमेरिकन प्रोनंसिएशन में आर की साउंड आएगी सर्च। ओवरवर्क, ओवरवर्क मीन्स परेशान होना, थका हुआ होने के लिए भी हम इस वर्ड का यूज करते हैं। आई एम ओवरवर्क, मैं परेशान हूँ। डाउस, डाउस मीन्स आग को बुझाना या फिर द्रव से तरबतर कर देना। माई हस्बैंड डाउस्ड मी विद कलर्ड वाटर ऑन होली। मेरे पति ने होली पर मुझे रंगीन पानी से तरबतर कर दिया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सम हाउ आई कुड मैनेज टू डाउस द फायर, किसी तरह मैं आग बुझाने का प्रबंध कर सका। रैंच्ड, रैंच्ड मीन्स ना खुश। शी वॉज लुकिंग रैंच्ड, वह नाखुश दिख रही थी। स्कूटेड, स्कूटेड मीन्स भाग जाना। द काउ स्कूटेड इनटू द वीट फील्ड, गाय गेहूं के खेत में भाग गई।